मैं स्मृति शर्मा आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपको लेकर आई हूँ पंजाब के खूबसूरत शहर पठानकोट में। किसी भी शहर की पहचान उसकी जान होती है वहाँ के कलाकार। अगर आप उनकी कला को देख सकें, सुन सकें, समझ सकें तो उससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और अगर वहाँ से आप कुछ मीठी यादें अपने साथ ले चलें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आइए आपको ले चलती हूँ अशोक कला ग्राम में। अशोकास कलाग्राम आर्ट गैलरी के फाउंडर डायरेक्टर हैं अशोक चित्रकार जी। यहाँ से आप सोवेनियर्स लेकर जा सकते हैं। आइए पहले उनकी गैलरी देखते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं। कलाकार की कर्म भूमि होती है जहाँ वह काम करते हैं, जहाँ वह अपने सामान को डिस्प्ले करते हैं। तो नीचे सर की वर्कशॉप है और ऊपर उनकी गैलरी है। तो आइए ले चलते हैं आपको गैलरी की तरफ। गैलरी के गणेश जी की मूर्ति से आगे चलकर आपको मिलेगी महान पेंटर शोभा सिंह जी की पेंटिंग, जिनकी पेंटिंग अशोक चित्रकार जी ने स्वयं बनाई है और इन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी गैलरी की स्थापना की। गैलरी का एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा कलाकारों को समर्पित है। शहर के नामी गामी कलाकारों में से एक हैं मिस्टर रजेंद्रनाथ रैबर जी। जगजीत सिंह की गज़लें आपने अक्सर सुनी होंगी, उनका आनंद लिया होगा। जगजीत सिंह के गीतों के बोल जो है रैबर साहब द्वारा दिए गए हैं। इनकी एक मशहूर नज़म जो आपने ज़रूर सुनी होगी, अर्थ फिल्म में भी आई थी, तेरे खुशबू से भरे खत मैं जलाता कैसे। चौधरी भीमसेन जोशी जी को कौन नहीं जानता, ये इंटरनेशनल लेवल के क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। गैलरी का दूसरा हिस्सा धार्मिक गुरुओं को डेडिकेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेंटिंग जीसस क्राइस्ट जी की है। ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा पंजाब में फेमस हुई है कि इसके कैलेंडर लाखों की तादाद में लोगों ने पसंद किए हैं। ये पेंटिंग और इसके कैलेंडर्स आपके घर ले जाने के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सगे संबंधियों के लिए एक शानदार सोवेनियर है। गैलरी का तीसरा हिस्सा भारत के वीर जवानों के नाम, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। हाल ही में हुए पुलवामा अटैक के बाद वहाँ के जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए अशोक चित्रकार जी ने शहीदों की पेंटिंग्स बनाई, जिन्हें आने वाले समय में आप हिंदुस्तान के अलग अलग एग्जीबिशंस में देखेंगे। सर, इंडिविजुअल लेवल पे आपने इतनी बड़ी गैलरी बनाई, ये गैलरी आप किसी बड़े शहर में बनाते हैं तो आपको फाइनेंशियली लाखों करोड़ों में बेनिफिट होगा। आप कॉस्ट टू कॉस्ट पेंटिंग्स दे रहे हैं, इसकी प्रेरणा और इसका मकसद क्या है? मैं ये समझता था कि ये जो बड़े शहरों में हो रहा है लोग वहाँ नहीं जा पहुँचते, वो छोटे से शहर में भी पहुँच के वो चीज़ खरीद सकें जो एक बड़े शहर में उनको मिले। ये प्रेरणा, ये सोच आपके अंदर कहाँ से? मैं ये समझता था कि अगर वो जो फौजी लोग हैं वो कुछ अपनी जान देकर, बलिदान देकर देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि आपने कलाकार के विचार सुने और आपने समझा कि इतनी मेहनत कर कर और इतने श्रम के बाद इतना समय वो एक पेंटिंग को लगाते हैं, फिर भी उनकी सोच कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई है। वे बस इतना चाहते हैं कि जो भी लोग पठानकोट आएं, वे अपने साथ अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ ऐसा लेकर जाएं जिसे वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के साथ रख सकें। कॉस्ट टू कॉस्ट वह अपनी पेंटिंग्स दे रहे हैं बिना ये सोचे कि कितना लाभ होगा और कितना नुकसान। तो मैं चाहूँगी कि जब भी आप पठानकोट आएं, यहाँ से एक पेंटिंग ज़रूर अपने साथ ले जाएं। अगर आप पठानकोट ना भी आ पाएँ तो आपको मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज के दौर के हिसाब से आप पेंटिंग्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर और मोबाइल के द्वारा ऑर्डर दे सकते हैं। आपको कोरियर के द्वारा पेंटिंग्स पहुंचा दी जाएंगी। थैंक यू।